हेलो हेलो। हेलो, कौन? अप्पू खान? हाँ भाई, सलाम अलैकुम। कौन? हम बोले अनवर अनवर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ मेरे भाई। हम तुम्हारे तेरे पास फोन कर रहे थे तो फोन काट के क्यों नहीं, क्यों भाग दे रहा है? हमारा फोन का जवाब क्यों नहीं तुम दे रहा है? अरे मेरे भाई, खाना खा रहा था। कोई भाई नौकर थोड़ी ना हो कि आज जब फोन करेंगे फोन उठा लूंगा। अरे हम जब फोन करते थे उस दिन तुमसे बात, तुम्हारे से आप बात तो 24 घंटा बात करते हो मेरे भाई। क्या मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है? अब आप पालतू इंसान हो, मेरे को तो काम धंधा है देखो। ना। हेलो अप्पू खान, हमको भाई मत बोला करो, ठीक है? तुम लोग अरे भाई भाभी ना बोलूं हो। तो क्या बहन नहीं बोलूं? नहीं तो आप ही लोग हम भाई नहीं मानते हैं, ठीक है? अरे भाई, हम वहां भी नहीं है। कितनी बार कहे, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। तुम्हारे से बात हुआ था उस दिन तो तुम हमसे बात कर रिकॉर्डिंग कर, तुम यूट्यूब पे क्यों डाल दिए? अरे तो मेरे भाई, जब बात करोगे और तुम्हारी सलाह करेंगे तो उसको मेरे भाई अपलोड करेंगे ना, ताकि बाकी भाइयों की भी सलाह हो जाए। क्या तुमको तुमको बताना चाहिए ना हमको, तुमसे बताना चाहिए? नहीं बात हुआ था उस दिन तो हमारे बात को लेकर तुम यूट्यूब नहीं पे तो डाल क्या दिए आपसे हो। पूछ के पैदा हुआ था जो मैं हर काम आपसे पूछ के नहीं करूंगा? तो अजीब पागल हमारा आदमी हो। उसमें उसमें हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था ना, तब तुम क्यों डालोगे हमारे यूट्यूब पे? तो अरे तो क्या डॉक्टर ने कहा था कि आप अफू खान को फोन करो, उससे मसला मसाइल पूछो? आपके आलिम लोग कहाँ चले गए? जाके उनसे पूछो ना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इल्म हो गया है। हाँ भाई। अगर आपको कोई इल्मी बात करना है तो आप कीजिए, और एक चीज मैं नहीं पहले आपको बता दे रहा हूँ, सोच समझ के बोलिएगा, गाली गलौज एकदम ना दीजिएगा, क्योंकि इस ऑडियो को भी भाई मैं इंटरनेट के ऊपर डालूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत इल्म हो गया ना, तो तुमसे इल्म के बारे में मैदान में आओ बात इल्म करो के हमसे। मैदान में इल्म मुकल्लिद बोलेगा। के अरे बारे में हमसे बात करो ना। तो मेरे भाई, इल्म पहले आप मेरे भाई जाके कुरान हदीस से हासिल तो कीजिए, उसके बाद आपसे बात हो जाएगी है हम इंशाल्लाह। लोग के पास इल्म है, ठीक है? अच्छा और भाई, एक बिना मुहर्रम के मातम अगर आपका हो गया हो तो काहे के लिए फोन किया है बता दीजिए मेरे प्यारे भाई हो, वरना मैं फोन कर। हम फोन किए थे इसलिए फोन कर रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग क्यों नहीं औंठा चूमते हो? क्या तुम लोग वहाबी हो, गुस्ताखे रसूल हो? क्या नहीं करते हैं? हम बोल रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, औंठा चूमते हैं लोग। अंगूठा चुनते हैं? हाँ, कौन नमाज चुनता है? नमाज हम लोग चुनते हैं, सुन्नत अल जमात कुछ चुनते हैं। हाँ, वो मैंने आपकी मतलब भाई तकरीरों में देखा है, जब पता नहीं कुछ आप लोग पढ़ते हो तो अपने मुंह से पहले मतलब अंगूठे को चूमते हो और उस अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के अंदर डाल लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम लोग वहाबी हो या गुस्ताखे रसूल हो? ये अरे पहले मुझे अल्लाह के जवाब दो ना। बंदे, आप लोग उस्ताद के रसूल हो ना, जो काम कभी सहाबा ने हमारे भाई नहीं किया वो काम आप लोग कर रहे हो। छोड़ो ये तो छोड़ो सूफियों का छोड़ो, तरीका है ना। हमारा सवाल का जवाब दो, बात इधर उधर मत घुमाओ। अंगूठा आप चूमना कुरान हदीस से साबित नहीं है? क्यों नहीं साबित है? साबित करके दिखाओ हमको कि साबित नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, दावा आप कर रहे हो, मतलब भीख हमसे मांग रहे हो कि हम साबित करें? अंगूठा चूमते आप हो, अमल आपका है तो दलील आप दोगे ना? क्या मतलब सुन्नत है ना चूमना? अल्लाह अकबर अल्लाह, मतलब ये मतलब भाई सुन्नत हो गया, मतलब जो और बिदात है अंगूठा चूमना, जो ये सूफियों का भाई ये इसमें कौन तरीका से है। खराब, इसमें कौन से खराब तुमको दिखता है? मेरे भाई हर वो काम खराब है जिसको लोग दीन बना दे लेकिन वो दीन ना हो, तो वो हर काम खराब है, क्योंकि वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। नमाज के बाद हम लोग अंगूठा पश्चात ला इलाहा इल्लल्लाह अरे आप पहले हम नमाज लोग के बाद चूमते हैं। अंगूठा चूमो, नमाज के अंदर अंगूठा चूमो, नमाज से पहले अंगूठा चूमो, 24 घंटा अंगूठा अपने मुंह में लेके चूसते रहो भाई। भाई वो दीन थोड़ी ना बन जाएगा। दीन तुम्हारे कहने से वो नहीं है कि होगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने अमल करके हमको बता दिया। कौन नहीं तुम्हारे से कहने सहाबा ने? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, या कमो बेश अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख सहाबा थे। एक सहाबी का अमल पेश कर दो किसी सही सनद की सही हदीस से कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे किसी सहाबी ने अपने होठों से अंगूठे को चूमा हो और अंगूठे का बोसा लेके अपनी दोनों आंखों के ऊपर उसको मला हो, ये कौन अगर सा तरीका है भाई? ये सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये सही नहीं होता तो हमारे आलिम मना क्यों, मना नहीं करते हमारे आलिम? अरे आपके आलिम तो बहुत कुछ हमारे मना नहीं करते हैं मेरे भाई। आलिम सही है तभी तो हमारे आलिम नहीं कुछ बोलते हैं, तुम कैसे कहते हो गलत है? चलिए आपको हम बता देते हैं बरेलवियों का अकीदा अच्छा क्या है, ठीक है? बताओ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बता रहे हो, आप ही लोग क्या आगे? मेरे पास किताबें रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको सारा सारा मैटली, आप भाई जो भी ये
छोटा सा मैटर है, आपको बता देता हूँ, इसलाह की नियत से समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना इज्जत से फोन काट के भाग जाइएगा, मेरे पास फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है। ठीक है चलिए बताइए तो। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, अंगूठा बहुत तुम्हारे पास इल्म हो गया है। अरे इल्म है तो मेरे भाई आपको जलन क्यों हो रही है? आप भी भाई मेहनत करो, आपको भी इल्म हो जाएगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, उस दिन तुमसे बात हुआ तो जो हमारे हमारा जो बात तुमसे होते रिकॉर्डिंग है तो क्यों भाई? देखिए अगर आपको मेरे भाई दाएं बाएं टॉपिक से भागना है तो मेरे भाई हम जानते हैं, मेरे पास जितने भी मुकल्लिद फोन करते हैं ना, वो तमाम के तमाम भाई चप्पल जूता पहन के फोन करते हैं, क्योंकि तो सवाल तो कर लेते हैं, जैसे उनको जवाब देने लगो तो चप्पल जूता पहन के भागना स्टार्ट कर देते हैं। मुकल्लिद नहीं है, मुकल्लिद आप लोग हैं। अरे कोई मुकल्लिद नहीं है मेरे भाई, सब गैर मुकल्लिद है। अभी देखो ठीक है, तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, अगर सुनना हो तो बता दे। हाँ बताओ बताओ सुन ले बताओ भाई। आपके बरेलवी आलिम भाई ये लिखते हैं कि हजरत, ठीक हजरत, हाँ अम्मी, अरे वो चाबी रखी है वहाँ पे स्टूल पे, स्टूल पे चाबी रखी है वहाँ पे रखो। हाँ हेलो, आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट आ रहा हूँ। भाग गए क्या भाई, भाग गए क्या? अरे भागे नहीं, अम्मी आ गई थी मेरे भाई। तुम तो ऐसा करो, भाग गए, भागना होता तो फोन ना काटते, अभी देखते हैं कौन भागता है, परेशान ना हो। हाँ बताओ। आपके बरेलवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भाई वो बयान करते हैं कि जो इंसान अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सुनकर अपने अंगूठे को चूमेगा और फिर अपनी आंखों पर उसको लगाएगा, उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। और ये आपका उतरावा है पतावर रिजविया पेज नंबर 383 पे, यानी कि पेज नंबर 383 पे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो रिवायत करते हैं कि जो इंसान अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सुनकर अपने अंगूठे को चूमेगा फिर अपनी आंखों पर उसको लगाएगा, उसकी आंखें कभी भी ना दुखेंगी। तो ये बताइए आपके आला हजरत के तो ताल्लुक से आता है कि वो एक आंख से काले हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा आजाद नाजिल कर दिया था कि एक आग उनकी हमेशा बहती रहती थी। तो अब बताइए, वो तो जिंदगी भर अंगूठा चूमते थे तो भी उनकी आग बहती थी। अरे अप्पू हद हो गई मेरे भाई, हद हो गई। अप्पू मेरी बात सुन, तेरे कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा भाई। जनाब अहमद रजा खान साहब ने इस हदीस को इमाम सखावी से नकल किया है, जबकि इमाम सखावी ने इस हदीस को जिक्र करते हुए इसके साथ ही लिखा है कि इस बात को बयान करने वाला कोई सूफी था। आप समझ रहे हैं, इस बात को किसी सूफी ने अपनी किताब में इसको नकल किया और इसकी सनद में, आप सुन लीजिए सनद की बात, और इसकी सनद में जिन रावियों के नाम हैं वो आइमा मोहदिसीन के भाई उनके नजदीक भाई वो मोतबर नहीं है, वो भाई मजहूल है, ठीक, यानी कि यह गड़ी हुई सनद है। और फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने किससे सुना इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है। ये आता है अरे ये बात कहाँ लिखी है, हवाला सुन लो बाद में भाई, ये ना कहना कि अहले हदीस बिना दलील से बात करता है। ये बात आपकी लिखी हुई है अल मका सिदुल हसाना लिल सखवानी, ठीक है, जाके इसको खरीद के पढ़ लीजिएगा। मतलब इमाम सखवानी जिस बात को सूफियों के खिलाफ कमजोर करार दे रहे हैं, उस बात को जनाब अहमद रजा खान साहब पूरी इल्मी बेईमानी का सबूत देते हुए एक गैर इस्लामी बिदत को वो दीन बनाने पे इस दलील को पेश कर रहे हैं। और इमाम सुयुती, ठीक, इनका नाम तो आपने माशाल्लाह भाई पता नहीं होगा, आपके बहुत बड़े मोहतबर इमाम है, इमाम सुयुती, हाँ भाई वो रही भाई, वो अपनी किताब में भाई साफ साफ लिखते हैं कि वे तमाम राविया
वे तमाम बोलना। रावियों की जो बात है भाई, वो मतलब जिसमें ये इन सब अंगूठे चुमने वाली बात का जो बात आई है, जिक्र आया है, वो मोहम्मद ताहिर अल फतनी और अल्लामा शक शौकानी, ठीक है, रहीमुल्ला के नजदीक उन तमाम रावियों को मनगढ़ंत उन्होंने करार दिया है। हाँ बता और बता। बस भाई, जितना मेरे सामने मेरे भाई रखा हुआ था, मैंने पढ़ के आपको बता दिया है, आपकी ही बस चल, मसलक बस की बस किताब सुन से। सुन सुन मेरी बात सुन, जो तू कहेगा सही हो जाएगा। भाई लेकिन जनाब अहमद रजा खान साहब के बराबर उनकी जिद है कि अंगूठे चूमने का इनकार इजमा उम्मत, यानी कि जो उनकी खुद की बरेलवी उम्मत है वो उनके खिलाफ है। ये उतरा हुआ है फतावा रजविया पेज नंबर 496 पे। तो यानी कि जो बात सूफियों ने नकल की कि ये अंगूठा चूमने वाली बात, उसको आपके आला हजरत अहमद रजा खान साहब उसको जबरदस्ती भाई वो दीन बनाने पे तुले हुए हैं, और वो कहते हैं कि अंगूठा चूमने पे मेरी उम्मत यानी कि बरेलवियों की उम्मत का इजमा है। वाह रे वाह। चल बस, हवा ऐसा दे रहा है तू। मेरे भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये अंगूठा चूमना और ये चुम्मा चाटी ये सब फालतू में आप ना कीजिए, ठीक है? जो क्यों ना करे, इस्लाम सुनत में आ गया उसको फॉलो कीजिए, है दीन ना, में अपनी अक्ल आप ना लगाइए। सुनत है अंगूठा ना। चूमने से अगर किसी की आंखें कभी ना दुखती तो आपके आला हजरत की एक आंख मेरे भाई उसमें बीमारी ना होती, ना ही उनकी आंख हमेशा जिंदगी भर बहती रहती। तो इससे साबित होता है कि उन्होंने अंगूठा चूमने वाली झूठी हदीस को, जो भाई ये सूफियों ने मंसूब की थी, उन्होंने मेरे भाई दीन में डाल दिया, तो अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया और अल्लाह ताला ने उनको एक आंख से काला कर दिया और उनकी एक आंख हमेशा बहती रही। चल बकवास कर रहा है तू बस, खाली ऐसा ही तो बहुत इल्म तेरे पास हो गया है। अरे अल्लाह के बंदे, आप भाई जब आपको मानना नहीं होता, मैंने कुछ अपने पेट से आपको नहीं क्यों बताया। मानू, वो अभी वो बात मैंने क्यों अभी आपकी मानू? किताब खोल के एक एक अल्फाज भाई अल्फाज आपको पढ़ के बता दिया, उसका हवाला भी दे दिया। मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो ना मानो। क्यों नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? वो अभी के बाप नहीं मानते हैं। अरे तो जब वहाबी की बात नहीं मानते हो तो फोन क्यों करते हो जाहिल आदमी? जब तुमको आता जाता कुछ नहीं है तो फोन क्यों करते आता हो? तो आता तुमको कुछ नहीं है, हमको बोलना चाहता है तो कुछ नहीं है। रखो अच्छा भैया, हमको नहीं आता है तो आज के बाद हमें फोन ना करना, ठीक? आप फोन, ठीक जाइए अंगूठा चूमिए, ठीक? है आप रखो, जाके किसी आदमी को चूम लीजिए, कौमे लूत वाला अमल कर लीजिए मेरे ठेंगे से। ठीक है आपके रखो रखो, दुर्रे फोन रखो। मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 528 को उतरा हुआ है कि अगर औरत भाई वो नमाज पढ़ ली है और किसी आदमी ने उसको चूम लिया तो नमाज उसकी टूट जाएगी, लेकिन अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और किसी औरत ने उसका बोसा ले लिया तो आदमी की नमाज भाई वो नहीं टूटेगी। तो आपके वहां तो नमाज के अंदर भी चुम्मा चाटी चालू रहती है, तो अंगूठा चूम लिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? जो चूमो अंगूठा, फोन रखो फोन रखो फोन रखो। चल रख दो मेरे भाई, नहीं तुम्हारे घर के ऐसे ऐसे हवाले भी पढ़ के सुनाएंगे, क्या फायदा भाई तुम्हारे कान में भी आग वाग मेरे भाई लग जाए, ठीक है? अंगूठा रखो, चूमना छोड़ दीजिए, जो सीधा साधा दीन है, जो आसान दीन है, उसको फालतू में इतना मुश्किल भाई आप ना बनाइए। अगर एक और मिनट किसी सुनो तो, साहबी ने अरे तू अंगूठा नहीं अरे चूमा है तू और ना ही इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला ने कभी अपनी जिंदगी में अरे अप्पू अशहदु अप्पू, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कभी इन अल्फाजों पे अपने अपने होठों से अंगूठे का बोसा नहीं लिया, ना ही उन्होंने अंगूठे को अपनी आंखों पे मला। तो जब आप जिस इमाम के मुकल्लिद हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला, उन्होंने कभी अपने अंगूठे की चुम्मा चाटी नहीं की, तो आप फालतू काहे कर रहे हो? और आपको करना है तो करो ना, अब जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर जबरदस्ती ये फालतू बातें काहे थोप रहे हो? आपको जो अरे करना है करो, आपको अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, लेकिन दूसरों पर जबरदस्ती दीन मेरे भाई ना थोपिए, क्योंकि ये दीन है ही नहीं, तो दीन में अरे कोई जबरदस्ती नहीं है। अप्पू अप्पू, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ सुना। बोल रहे हैं कि अगर अंगूठा चूमना अगर गलत होता तो क्या हमारे ओलमाओं ने नहीं मना करते इस चीज को? अरे तो तुम्हारे उलमा अगर मना कर देंगे तो उनकी जो दुकान चल रही है दुकान बंदी हो जाएगी। तुम्हारे उलमा को कुरान हदीस समझ में आता है? वो तो उलमाए सू है। जब किसी उलमा हक के पास जाओगे जो खालिस कुरान हदीस और अमले सहाबा की बात बताएगा तो तुमको दीन समझ में आएगा ना। जब तुम उलमाए सू यानी कि उल्लू माँ
इनके पास जाओगे दीन सीखने के लिए तो वो उल्लू माँ तुमको उल्लू तो बनाएंगे कि हाँ अंगूठा चूम लो। बात सुन रही बात सुन क्या, तो फिर जब कुरान हदीस नहीं पढ़ता है लोग तो फिर क्या पढ़ता है लोग? ये लोग मेरे भाई अपने मसलक की सड़ी गली अपने घर के दीन की भाई अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को छापते हैं और खुद ही उसको पढ़ते हैं और खुद ही उसको पढ़ाते हैं और खुद ही उस पर अमल करते हैं और उसको समझ लेते हैं कि दीन है। अच्छा मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अंगूठा चूमते हो ना, हाँ बोलो ना, तो हदीस में मतलब कौन सी आया है? तो ये तो हदीस आपने भाई दी नहीं, आपकी मेरे भाई दावा था लेकिन आपने दलील हमसे भीख में मांगी तो मैंने आपकी मेरे भाई किताब खोल के आपको आपको हमने बता दिया कि जो दलील आप लोग देते हो अंगूठा चूमने की वो आप लोग कौन सी पेश करते हो? अप्पू अप्पू पहले बात सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, आपका जिन ना जाके अल्लाह के बंदे, जो हाँ जो हदीस आप लोग पेश करते हो मनगढ़ंत और झूठी हदीस, वो हदीस भी मैंने पेश कर दी और उसके बारे में आइमा क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं और यहाँ तक कि बरेलवी आलिम क्या कहते हैं, आपके आला हज़रत क्या कहते हैं, मैंने सब आपको बता दिया। अब मुझे आप इतना बता दीजिए अंगूठा कौन सा चूमते हैं आप, अपने हाथों का या पैरों का? अरे अप्पू सुन मेरी बात, हमारे अपने भाई अपने हाथों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों में लगाते हैं या अपने पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों पे आप लगाते हैं? हमारे जो बुजुर्गाने दीन है लो, बुजुर्गाने दीन नहीं, क्या योगा करते हैं क्या कि मेरे भाई को पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों पे लगाते हैं? हमारे जो हमारे बुजुर्गाने दीन है लो वो अंगूठा चूमते आते आ रहे लो। अरे कोई बुजुर्गाने दीन ना अंगूठा नहीं चूमा, तुमने अपनी आंखों से देखा? हम तो आज भी देखते हैं हमारे जो बूढ़े जो बूढ़ पुरानिया हो। अरे वो सूफी धर्म का होगा ना, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आप कोई सूफी को तुम देख के उसको मेरे भाई दीन समझ लो, ये बताओ क्या हमारे अल्लाह के नबी से बड़ा कोई था? नहीं कोई नहीं था। हाँ तो हमारे सहाबा इकराम से बड़ा कोई था? नहीं कोई नहीं था। जो आज तुम जिनको अपनी आंखों से देख रहे हो पता नहीं वो पीर बाबा अल्लाह के औलिया है भी नहीं है कि मतलब वो खुद साक्षात अपने आप को अल्लाह का वली उन्होंने बना लिया है, आप उनको देख के क्या मेरे भाई सहाबा के ऊपर ऊपर उनको रख दोगे? बात सुन मेरी। आप पैरों का अंगूठा चूम के अपनी आंखों में लगाते हो या अपने हाथों का अंगूठा चूम के भाई अपनी आंखों पे लगाते हो, पहले जाके आलिम से पूछो। ठीक है मेरी बात सुन, नहीं हमको तो लगता है तुम लोग को अंगूठा मिल जाए, कोई का भी अंगूठा हो पैरों का भी अंगूठा होगा तो उसको चूम के जबरदस्ती अपनी आंखों में डाल लोगे। अरे रखो यार मेरे भाई, टाइम पास करने का टाइम नहीं है, खाली दिमाग होते हैं मेरे भाई बरेलवी जाहिल। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मरीज सवाल हो रहा।